नमस्कार दोस्तों, आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए एक नया सेक्शन 194BA करके यहां पर विनिंग ऑफ गेम्स करके ये ऐड हुआ है। TDS का ये नया सेक्शन एक इम्पोर्टेंट सेक्शन आप कह सकते हैं, यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस बार नया आया है। पहले आपके विनिंग के दो सेक्शन होते थे, एक 194B आपका विनिंग ऑफ यहाँ पर लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल वाला, और दूसरा आपका 194BB विनिंग ऑफ फोर्सेस वाला, और ये विनिंग ऑफ ऑनलाइन गेम्स वाला ऐड हुआ है। इसके अंदर बात करें सेम ये ऐसा ही दो सेम ऊपर जैसे ही सेक्शन है। अगर आप बात करें रेट्स की, बात करें पेयर पे की बात करें, देखिए इसके अंदर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा स्टडी मटेरियल है, वहां से मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं। देखिए विनिंग ऑफ 194BA की अगर आप बात करें, विनिंग ऑफ यहाँ पर ऑनलाइन गेम्स की, ऑनलाइन गेम्स आप नाम से समझ सकते हैं, ये ड्रीम इलेवन और आपने मेक माई सर्कल, यहाँ पर माई इलेवन सर्कल या फिर रमी करके तीन चार गेम यहाँ पर सुनी होगी, जो ये गेम्स खिलाते हैं, ये एप्स है यहाँ पर जिसके अंदर यूजर अपने पैसा लगाता है, उसके बाद टीम बनाता है, वहां पर किसी में टीम बनाते हैं, किसी में यहाँ पर प्लेयर चुनने होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से गेम खिलाते हैं, और फिर उसके बारे में इसे सेक्शन क्या कहता है कि आपको कैसे यहाँ पर TDS काटना है, उनका TDS किस पे कटेगा, टैक्स कितने पे लगेगा, वो सब इस सेक्शन के बारे में इस सेक्शन में बात होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे आपको क्या ध्यान रखना है, जल्दी से करेंगे बिना टाइम वेस्ट करें और कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर इसको निपटा दें। तो ये क्या सेक्शन क्या कहता है यहाँ पर, क्या कह रहा है, एनी पर्सन पेयर कौन है, एनी पर्सन पेई कौन है, आपका पेई भी कौन है, एनी पर्सन पेई भी आपका एनी पर्सन है, चाहे वो रेजिडेंट है चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, उसका यहाँ पर उनको TDS काटना है 30% के रेट से। कौन TDS काटेगा, जो यहाँ पर ऑनलाइन गेम खिला रहा है जो पर्सन, वो पर्सन आपका क्या काटेगा, TDS काटेगा, किसका काटेगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, कोई भी पर्सन हो उसका वो TDS काटेगा एट द रेट ऑफ 30% रेट से TDS काटेगा। ये सेम 30% हमारा विनिंग ऑफ यहाँ पर लॉटरी वाले में भी था और हॉर्स रेसेस में भी था, ठीक है। और ये क्या कहता है, ये कह रहा है इट शैल बी डिडक्टेड टाइम ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द यूजर अकाउंट एज वेल एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के एंड में भी आपको TDS काटना है और उस टाइम पे भी काटना है आपने, एट द टाइम ऑफ विड्रॉल, ठीक है। जब भी आप विड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपको वो TDS काट के ही आपका पैसा रिलीज करेंगे। अगर आप बात करें अगर इस सेक्शन के अंदर, आपको कैलकुलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। ये 195BBJ आपने सेक्शन, अगर आपने बेसिक वाला चैप्टर पढ़ा हो वहां पर टैक्स रेट्स वाला, तो आपको ये पता चला होगा कि नया सेक्शन ऐड हुआ है ऑनलाइन गेम्स वाला, जिसके ऊपर टैक्स लगता है 30% के रेट से, ठीक है। उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, नेट विनिंग्स कैसे हमने कैलकुलेट करनी है फॉर द प्रीवियस ईयर। इसके अंदर आपने ना सिंपल सा क्या याद रखना है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ये आपको चार चीजें याद करनी है, आपको यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस डी माइनस बी माइनस सी आपने करना है। ये क्या है, जो आपने अमाउंट विड्रॉ कर लिया, मतलब देखो क्या होता है ड्रीम इलेवन में, जब आप क्या करते हो, जब आप गेम खेलनी होती है तो आप पैसा डिपॉजिट करते हो, कुछ आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो, उसके बाद आप उसमें से उसके ऊपर कुछ जीतते हो, और जीतने के बाद आप उसमें से अपना कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो, और कुछ आपका क्लोजिंग में बच जाता है, और वही आपका अगले साल जाके ओपनिंग हो जाता है। तो आपने जितना भी अमाउंट विड्रॉ किया है यूजर अकाउंट से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो आपको टोटल लेना है ए, ठीक है। डी आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस, जितना भी आपका यूजर अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस बचा है उसको आपने क्लोजिंग बैलेंस लेना है। उसमें से आपने माइनस क्या करना है, आपने माइनस करना है नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, क्या माइनस करना है, नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट एग्रीगेट अमाउंट, जितना भी आपने नॉन टैक्सेबल इसके अंदर अभी तक डिपॉजिट किया है पूरे साल के अंदर, ठीक है। और आपने ए प्लस डी माइनस बी माइनस यहाँ पर आपका सी क्या है, आपने माइनस करना है ओपनिंग बैलेंस, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस था, ये आपकी नेट वो आ गई जिसके ऊपर आप 30% के रेट से 115, ये जो हमारा सेक्शन था कौन सा 115BBJ के अंदर आप टैक्स ले लेंगे 30%। अब बात करते हैं TDS के बारे में, TDS के बारे में ये सेक्शन क्या कहता है, देखिए TDS के बारे में ये कहता है कि यहाँ पर जो TDS है 194BA के अंदर दो टाइम पे कटेगा, यहाँ पर एक तो आपका पहले कटेगा फर्स्ट विड्रॉल पे कटेगा, और दूसरा आपका सब्सिक्वेंट विड्रॉल के टाइम पे कटेगा, और एट द एंड भी कटेगा, ठीक है। तो फर्स्ट विड्रॉल कैसे निकलेगी, फर्स्ट विड्रॉल में आपने क्या करना है, सेम भाई अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द यूजर अकाउंट ए हो गया, उसमें से आपने माइनस करना है बी, और फिर आपने माइनस क्या करना है सी। बी आपका क्या है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, जितना भी आपने डिपॉजिट किया है टिल द अमाउंट ऑफ सच विड्रॉल, मतलब मान लो आपका विड्रॉल की डेट है आपकी 19 जुलाई है, इस टाइम तक जितना भी आपने डिपॉजिट किया है ना उस विड्रॉल तक, वो सारा आपने माइनस करना है क्यूमुलेट करके, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद आपने कोई ओपनिंग बैलेंस है तो उसको आपने माइनस कर देना है, बस ये आपकी नेट विनिंग आ जाएगी। अगर ये आपकी नेगेटिव आती है तो आपने इसको जीरो ले चलना है, आप मान के चलेंगे कि ये जीरो है,
बस सिंपल सा था, इसके अंदर कुछ था ही नहीं। अगर आप बात करें सब्सिक्वेंट विड्रॉल की, बात करें सब्सिक्वेंट विड्रॉल क्या है आपका, ए आपका वही अमाउंट विड्रॉल, सब्सिक्वेंट विड्रॉल में अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द यूजर अकाउंट ड्यूरिंग द, यहाँ पर क्या, टिल द डेट ऑफ सब्सिक्वेंट विड्रॉल, मतलब जब तक आपकी सब्सिक्वेंट विड्रॉल नहीं होती ना उस टाइम तक आपको जितनी भी विड्रॉल हुई है ना आज तक की, मतलब आपने अगर आपने फर्स्ट विड्रॉल वाला भी जो अमाउंट आपने विड्रॉ के टाइम कंसिडर किया है उसको भी क्यूमलेट करते हुए चलना है, ठीक है। उस दिन तक जितने भी आपका टोटल हुआ ना विड्रॉ, मतलब मान लो ये अपडेट हो गई आपकी 20 सितंबर होगी, 20 सितंबर तक जितने भी विड्रॉल हो गए ना उसका आपने टोटल करना है, उसके बाद जितने भी नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट होंगे एट द टाइम उसमें से उसको माइनस कर देना है, उसके बाद आपने क्या करना है ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस को भी माइनस कर देना है। और यहाँ पर आपका क्या एक चीज और नहीं माइनस हो रही है, यहाँ पर ई क्या आ चुका है, ऐसी कोई विनिंग जिसके ऊपर टीडीएस पहले ही काट चुका है। अगर देखो यहाँ पर आपका पॉजिटिव बैलेंस आता, अगर ये नेगेटिव आया तो आपने जीरो लेना है, अगर मान लो यहाँ पर 20,000 पे आपका बैलेंस बन जाता तो 20,000 के ऊपर यहाँ पर टीडीएस काट लेते, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 20,000 जो नेट विनिंग है ना जिसके ऊपर टीडीएस नहीं कटता आपका, जिसका मतलब ऊपर टीडीएस कट चुका है उसको भी आप यहाँ पे माइनस करेंगे, टीडीएस जिसके वो विनिंग जिसके ऊपर टीडीएस कट चुका है वो विनिंग को भी आप माइनस कर देंगे। ये सिंपल सा था सब्सिक्वेंट विड्रॉल का। और एक लास्ट इसके अंदर क्या है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या करना है, सेम वही है इसमें ए में से डी ऐड देना है, डी आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो ऐड कर देना है, बाकी सेम आपका वही नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट, वही ओपनिंग बैलेंस, वही टीडीएस डिपॉजिटेड टिल डेट वही माइनस करना है, जीरो आए तो वही सेम ट्रीटमेंट करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था। बस यही था इस सेक्शन के अंदर जो आपने मोटा मोटा आपने याद करना है। अगर बात करें मल्टीपल अकाउंट्स के, अगर एक से ज्यादा अकाउंट है तो आपने जितने भी मतलब सारे अकाउंट्स का टोटल कंसीडर करके आपने कैलकुलेशन करनी है। अगर आप बात करें ये कैश और काइंड वाला सेक्शन क्या कहता है, इसके अंदर ये क्या कहता है कि मान लो फॉर एन एग्जाम्पल आपको कोई कार गिफ्ट कर दी, कार जैसे मान लो आपने थार गाड़ी जीती, तो वो जो इसको यहाँ पर हम जो डिपॉजिट अमाउंट है ना उसको हम विड्रॉल अमाउंट के जितना ही मानेंगे, और यहाँ पर जितना भी आपका अमाउंट होगा ना उसके ऊपर आपने 30% यहाँ पर टीडीएस काटना है। मतलब मान लो अगर आपने थार गाड़ी जीती है किसी यहाँ पर यूजर ने, तो आप उसकी मान लो 50 लाख की गाड़ी है या 20 लाख की गाड़ी मान लो इसको थार को एग्जांपल, ठीक है। तो आपने क्या करना है उसका 30% है ना पहले उसका टीडीएस काट लेना है, उससे पहले 30% ले लेना यूजर से, उसके बाद ही आपको ये गाड़ी को रिलीज करना है, ठीक है। और बोनस वगैरह है, रेफरल ये सब है, तो इसको आपने इग्नोर करके चलना है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट विनिंग, इसको हम डीम्ड एज टैक्सेबल डिपॉजिट मान के चलेंगे। बहुत आसान था, इसका कोई दिक्कत आया आप मेरे से कम करके बेझिझक होकर पूछ लेना, ये सारे वही इसके ऊपर FAQs है, एक बार आप इसको पढ़ लोगे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। एक पॉइंट जो रह चुका है वो मैं आपको बता देता हूं, देखिए एक वो है कि अगर आपका मतलब TDS का मतलब जो आपकी विनिंग का अमाउंट है 100 रुपए से कम है, ये वाला आपका अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखे 100 रुपए से कम है तो यहाँ पर उस पर टीडीएस नहीं काटेगा विनिंग पे, और अगर वो एक्सीड कर देता है 100 रुपए से वो तो आपको सब्सिक्वेंटली आपको उसके ऊपर भी टीडीएस काटना पड़ेगा, और डिडक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर उसके अकाउंट में यूजर के अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस नहीं रहा तो मैं अपनी जेब से भरूंगा। तब ये 3 कंडीशन है जब आप यहाँ पर विड्रॉ पे टीडीएस नहीं काटेंगे। तो यही था इस सेक्शन के अंदर, अगर आप बात करें 194BA के अंदर बहुत आसान सेक्शन था, अपनी तरफ से मैंने अपना बेस्ट दिया, कोशिश करी आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। लेकिन अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जैसा हमारा टारगेट था 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक को खत्म करना और हमने इसको खत्म कर लिया है केवल 8 मिनट के अंदर। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोई वॉइस इशू हो कुछ भी दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यहाँ पर देखिए माफी जरूर चाहूंगा, स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा मतलब ये दिक्कतें नहीं नहीं यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ कुछ नया सीखने को मिल सके। अब ये भी मैंने कुछ नया ही सीखा है आज जिस तरीके से मैंने आपको कहा है, तो बस इसी तरीके से मैं आपसे अलविदा चाहूंगा अभी के लिए, टाटा बाय बाय, सी यू। अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सी इनसाइड से अपना प्यार देना ना भूले। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, बाय।